सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां पे आए हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये एक बड़े स्पेसिफिक मुद्दे पे रखी गई है। इसमें मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूं कि बोर्ड पहले एक स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम करवाता था जिसमें ऐसे विद्यार्थी जो कि बोर्ड से पास आउट हुए हैं और किन्हीं कारणों से उस वक्त अच्छे अंक नहीं ले पाए और आज की तारीख में उनको कहीं पे एडमिशन लेने में, कहीं पे नौकरी करने में या प्रमोशन में वो कम अंक होने की वजह से मुश्किल आती है। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे पास आ रहे थे। बोर्ड द्वारा ये एग्ज़ाम जो पहले करवाया जाता था वो 2 सितंबर 2022 में बंद कर दिया गया था और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस लोगों की तरफ से आ रहे थे, सरकार के माध्यम से भी आ रहे थे और डायरेक्टली बोर्ड में भी आ रहे थे। और जैसे कि एक अभी पीछे एक महीने पहले ही एक लाइब्रेरियंस का ग्रुप भी हमारे से मिला था और उन्होंने अनुरोध किया था कि ये जो स्पेशल इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है ये बोर्ड द्वारा शुरू किया जाए। तो इस पे लगभग 1.5 महीना गहन विचार विमर्श किया गया और पिछले जो हमने एग्ज़ाम्स करवाए थे उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के बाद अब बोर्ड ये स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इस साल सितंबर माह से दोबारा शुरू करने जा रहा है। इसमें अगर मैं मोटे तौर पे आपको जानकारी देना चाहूँ तो ये एग्ज़ाम जो है स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बोर्ड हर साल सितंबर माह में करवाएगा। इसमें बोर्ड से ही पास आउट जो विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल होंगे, बाहर से आए हुए बोर्ड के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और हर विद्यार्थी को इसमें 3 चांस दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चांस में, जिसका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है। उनमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इसमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि 2002 से पहले के जो विद्यार्थी थे उनका स्कीम ऑफ स्टडीज़ अलग था और 2002 के बाद के जो विद्यार्थी हैं उनका स्कीम ऑफ स्टडीज़ अलग है। तो जो विद्यार्थी जिस समय में पास आउट हुआ है उसी समय की स्कीम ऑफ स्टडी के हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा। यहाँ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि आप केवल उन्हीं विषयों में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे जिसमें आपने पहले एग्ज़ाम दिया है। कोई एडिशनल विषय अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हमने NEP को भी स्टडी किया है और NEP भी इस बारे में बात कहती है कि अगर कोई विद्यार्थी अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो उसको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम ये स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि 1 जुलाई से हम इसकी एप्लीकेशन लाइव करेंगे। इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो होगा वो फुली ऑनलाइन होगा और हमारे स्टेट ओपन स्कूल के जो स्टडी सेंटर्स हैं जो कि लगभग 220 के करीब हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों टाइप के स्कूल्स शामिल हैं, उनके माध्यम से ये कैंडिडेट्स जो है ये ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। जी, ये 1 महीने का समय इसमें दिया जाएगा जी, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलेगा इसका प्रोसेस। इससे हमारा जो अनुमान है इससे लगभग 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा।